नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों पर। खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में भुरंज विधानसभा क्षेत्र के चंबो जो बधाणी मुड़खर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास का पहिया लगातार चलता रहे, इसीलिए बीजेपी की सरकार प्रदेश में फिर से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। हिमाचल प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की कामों की चर्चा आज पूरे देश में होती है। उन्होंने कहा कि इन 5 वर्षों में टेंशन मुक्त बोझ मुक्त वातावरण प्रदेशवासियों के लिए डबल इंजन की सरकार ने दिया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पेंशन लगाई, 125 यूनिट तक बिजली का बिल मुफ्त कर दिया, पानी का बिल मुफ्त किया, कोविड में अनाज मुफ्त दिया और देश भर में 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, हर घर को नल जैसी कई योजनाओं का जिक्र भी अनुराग ठाकुर ने किया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल खुद मोर्चा संभालेंगे। 28 और 29 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र के 6 सेक्टर में बनाए गए बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बताते चलें कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव मैदान में उतारा और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए मोर्चा भी संभाला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार के नॉमिनेशन के दिन सुजानपुर में थे और उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ताल पंचायत के दियोट गांव में निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। वहां मौजूद लोगों ने आशीष शर्मा का जोरदार स्वागत किया। आशीष शर्मा ने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने पक्ष में गांव में लोगों से वोट मांगे, जनता से अपील की कि वो एक बार उन्हें जरूर मौका दें। अब देखना होगा कि आशीष शर्मा की अपील लोगों तक कितनी पहुंच पाती है। हिमाचल में चुनावी माहौल गर्म है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी भुरंज विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अनिल धीमान ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। अनिल धीमान लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल धीमान ने अमरो पंचायत में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को प्रदेश व केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया तो वहीं अपने पक्ष में वोट भी मांगे। उन्होंने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस एक चीज बताए जो आज तक भोरंज के लिए हो कर पाई हो। सिरमौर के मंडल पछात के उपमंडल के राजगढ़ के ठोड निवाड़ में गुरु इतवारनाथ जी के मठ में 3 दिवसीय धार्मिक मेला पूजा अनुष्ठान व हवन के साथ शुरू हुआ। 800 वर्ष प्राचीन इतिहास के लिए गुरु इतवारनाथ जी का यह मठ नाथ समुदाय के 84 सिद्धों में से एक है और भैया दूज को आरंभ होने वाले मेले में हर वर्ष सिरमौर ही नहीं बल्कि शिमला के बमसन सहित कई जिलों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हवन के उपरांत स्थानीय लोगों द्वारा गिरी नदी में गुरु इतवारनाथ की समाधि स्थल पर ढोल नगाड़े बजाकर शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।